हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड, एसएससी स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। देखिए, जो करंट अफेयर हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं आपके सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, आपके सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए, और भी आपके जितने एसएससी के रिलेटेड अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, ये एसएससी के बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग इस चीज़ से होकर गुजर रहे हुए हैं, ठीक है, इसलिए हमें इस चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज है कि एसएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये जो आपका फुटबॉल का वर्ल्ड कप है ना, इससे एसएससी में बहुत क्वेश्चन देखना आपको हर शिफ्ट में पूछने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है आपका फीफा वर्ल्ड कप आपका 2018। सो मेन क्वेश्चन यही है, कहाँ हुआ था आपका? रूस में। ठीक है, इसका आंसर आपका रूस हो गया। अब पता है आपको कौन जीता था? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जीता था। रनर अप टीम कौन सी थी? क्रोएशिया। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, इसकी आबादी सारी 32 लाख कुछ है आपकी, इसकी क्रोएशिया की जो आबादी है। थर्ड है आपका बेल्जियम और फोर्थ है आपका इंग्लैंड। उसके बाद आता है आपका इंग्लैंड का, देखिए नाम क्यों फेमस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड में एक्चुअली जो गोल्डन बूट है, ठीक है, ये जो गोल्डन बूट है ये सबसे ज़्यादा जो गोल जो करता है, ठीक है, उसको गोल्डन बूट मिलता है जो सबसे ज़्यादा गोल करता है। तो हैरी केन जो है इंग्लैंड का, उसने सबसे ज़्यादा गोल किए थे। ठीक है, दिस इज़ हैरी केन। ठीक है, ये इंग्लैंड के हैं और इसने सबसे ज़्यादा जो है वो गोल किए हैं, 6 गोल लगभग इसने किए हैं। ठीक है, और गोल्डन बूट का ये, ठीक है, और ये गोल्डन बूट का विनर है हैरी केन। ठीक है, आगे है आपका टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर और गोल्डन बॉल। ठीक है, किसको मिली थी? लुका मैड्रिक, ये आपके क्रोएशिया के हैं। ठीक है, ये बेस्ट प्लेयर और गोल्डन बॉल जो है वो इनको मिली थी। ठीक है, टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर और गोल्डन बॉल जिसको मिली थी लुका मॉड्रिक, क्रोएशिया के हैं। सिल्वर बॉल आपकी मिली थी एम्बाप्पे, फ्रांस का है। गोल्डन ग्लव्स आपके मिले थे बेस्ट गोलकीपर थिनबोट कोर्टुइस, ठीक है, ये बेल्जियम के हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है गोल्डन बूट का। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका गोल्डन बूट का है, जिसने सबसे ज़्यादा गोल किए हैरी केन। ठीक है, इंग्लैंड के हैं। दूसरा है बेस्ट प्लेयर और जिसको गोल्डन बॉल मिली थी आपकी, वो है क्रोएशिया का लुका मॉड्रिक। एंड देन सिल्वर बॉल जिसको मिली थी एम्बाप्पे, ये फ्रांस का है। ठीक है, उसके बाद गोल्डन ग्लव्स, ये बेस्ट गोलकीपर को मिलते हैं जो गोल्डन ग्लव्स, ये आपके बेल्जियम के हैं थिनबोट कोर्टुइस। ठीक है, और ये आपके जो करंट अफेयर्स है ना, ये डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना और डेली जीके पढ़ोगे, ठीक है, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, तभी आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा ये, अदरवाइज़ ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और एक छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ कि कैसे वहाँ के लोग जो है वो, छोटे बच्चे भी कितने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं आपके फुटबॉल खेलने में, क्योंकि यार उन लोगों को वहाँ पे यही माहौल मिला होता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे छोटी सी क्लिप है। ठीक है, वहाँ के यार बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं फुटबॉल खेलने में। आगे है वर्ल्ड कप फाइनल में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, वर्ल्ड कप फाइनल में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? एम्बाप्पे, फ्रांस के, ये गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे, सबसे यंग। ठीक है, आपका एम्बाप्पे फ्रांस के। उसके बाद देखिए, अगला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में होगा। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। आगे देखिए, किस राज्य की उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गिरफ्तार ज्ञापन में जाति का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए? राजस्थान। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे बेस्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। किस भारतीय खिलाड़ी ने ताशकंद में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता? ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी ने, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, ताशकंद में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में कांस्य पदक, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो है जिल्ली
जिली दला बेरा। हैदराबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? न्यायमूर्ति TBN राधाकृष्ण। किस मेगा, देखिए ये जो आप पढ़ते हो ना, ठीक है, इसका अगर आप एक बार देखते हो और एग्ज़ाम में आ जाता है ना, तो आपको जस्ट वो नाम भी याद रहेगा और आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को। किस मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना ने दिल्ली मेट्रो की सेवा के संचालन शुरू कर दिए हैं? रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र। किस मेगा सौर ऊर्जा परियोजना ने, ठीक है, दिल्ली में जो मेट्रो है उसकी सेवा के संचालन शुरू कर दिए हैं? किस देश ने भारतीय वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए नए वीज़े खोले हैं? यूनाइटेड किंगडम। JN साधु, अनुभवी पत्रकार का निधन हो गया है, वह किस समाचार पत्र से जुड़े थे? द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, ये वेटरन आपके पत्रकार थे। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए बनाई गई समिति का प्रमुख कौन है? के कस्तूरी रंगन। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? वैंकूवर, कनाडा। भारत का प्रमुख की जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने तुर्की में मर्सिन में FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? वोल्ट। भारतीय पर्यटन व अतिथि सत्कार परिसंघ के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय भारत पर्यटन मार्ट ITM का आयोजन कहाँ करेगा? नई दिल्ली। इसके बाद आगे देखिए, भारत स्मार्ट सिटी इंटर्नशिप कार्यक्रम और स्मार्ट सिटीज़ डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड्स 2018 AMRUT AMRUT, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, के तहत पायलट आधार पर कितने शहरों में लागू किया जाएगा? 25। आगे देखिए, ये MU से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जितने भी MU से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सारे कर लीजिएगा। आपका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है, MOU, ठीक है, ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन से हैं? MOU पर हस्ताक्षर करने वाले, ठीक है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन से हैं? वेंकैया नायडू, जो अभी हाल ही में, जो हामिद अंसारी हैं उपराष्ट्रपति, उनके बाद जो बने हैं ये उपराष्ट्रपति अभी वेंकैया नायडू, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट की बनने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए पिछले 5 दशकों में गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए पिछले 5 दशकों में साहित्यिक पुरस्कार की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए पिछले 5 दशकों में गोल्डन मैन बुकर प्राइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, किसने जीता है? इंग्लिश पेशेंट। आंसर है आपका इंग्लिश पेशेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंग्लिश पेशेंट, ठीक है, साहित्यिक पुरस्कार की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए। आगे देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा एक शहरी नवीनीकरण और पुनः वितरण, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम है। इस मिशन के तहत कितने शहर विकसित किए जाएंगे? 100, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा। आगे देखिए, इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय युद्ध पोत कौन सा है? INS सुमित्रा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय युद्ध पोत कौन सा है? INS सुमित्रा। हाल ही आई रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा किस महिला नेता को फॉलो किया जाता है? ये आपकी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। आगे 17th क्वेश्चन, इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा प्रकाशित की जाती है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है? आप इसका हेडक्वार्टर मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कहाँ पर है। 2018 में राज्यों के लिए सरकार की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2018 में राज्यों के लिए सरकार की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आंध्र प्रदेश। BSNL ग्राहक देश के किसी भी फ़ोन नंबर पर कंपनी के मोबाइल ऐप का प्रयोग करके कॉल करने में सक्षम होंगे। उस ऐप का नाम क्या है? विंग्स। ऐप से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछता है ये आपका, ठीक है, BSNL। किस राज्य सरकार ने सीमा दर्शन परियोजना को मंजूरी दी? गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी एंड फंड, ठीक है, IMF रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसकी अनुमानित औसत वृद्धि, ठीक है, एवरेज इंक्रीमेंट आपका कितना है? 3.9%। 2018 में भारत का GDP 7.4, 2019 में ये अनुमान है 7.8 रहेगा, ठीक है उसका। उसके बाद 22वां देखिए, विश्व बैंक, ठीक है, भारत विश्व बैंक रैंकिंग 2017 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली सूची में किस नंबर पर आ गया? छठे नंबर पे, फ्रांस को पछाड़ दिया था इसने, फ्रांस फिर सातवें नंबर पे आया था, ठीक है। ये जब विश्व बैंक रैंकिंग 2017 हुई थी अर्थव्यवस्था के मामले में। तालिबान ने पाकिस्तान की स्वात घाटी में ध्यान स्थल में बैठे बुद्ध की विशाल प्रतिमा को तोड़ दिया था, जिसे वापस से बना लिया गया है। इस मूर्ति को बनाने में किस देश ने मदद की? इटली, ठीक है। आध्यात्मिक नेता दादा JP वासवानी को हाल में ही निधन हो गया उनका, उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आध्यात्मिक नेता आपके JP वासवानी, ठीक है, का हाल में निधन हो गया था, यानी कि यू थांत शांति पुरस्कार ये किसको मिला था और ये जो हो गया हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, उसको किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका JP वासवानी। उसके बाद देखिए आपका स्टेशन परिसरों में सौंदर्यकरण प्रतियोगिता के तहत किस रेलवे स्टेशन को पहली रैंक प्राप्त हुई? ये महाराष्ट्र में है, बलहार शाह। मधुबनी स्टेशन बिहार और मदुरई स्टेशन तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है। भारतीय दिल्ली काउंसिलिंग ऑफ इंडिया अफेयर्स, ठीक है, ICWA के अध्यक्ष कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, वेंकैया नायडू। उसके बाद देखिए IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के इतिहास में गोल्ड पदक जीतने वाली पहली भारतीय ट्रैक एथलीट कौन है? हिमा दास, ठीक है, असम की हैं, 51.46, ठीक है। ये अंडर 20 आपके एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के इतिहास में गोल्ड मेडल जिसने जीता है। कौन सी राज्य सरकार स्थानीय लड़कियों को जिला ब्रांड राजदूत नियुक्त करेगी? मध्य प्रदेश। सदी का सबसे लंबा चंद्रग्रहण 2018 में किस तारीख को होगा? 27 से 28 जुलाई। भारत का कौन सा जहाज सुंदरलैंड यात्रा 2018 में भाग लेने के लिए सुंदरलैंड पहुंचा? IANS तरंगिणी। उसके बाद देखिए 1 जुलाई 2018 में भारत के राज्यपाल, या फिर 31 जुलाई 2018 में भारत के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार किया है? हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए, एक बार देख लीजिएगा, 1 जुलाई है या फिर 31 है। फोर्ब्स की अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन 2018 इंडेक्स में भारतीय मूल की जितनी महिलाएं शामिल हैं, कितनी महिलाएं शामिल हैं, सॉरी ये 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2018 को किस शहर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया? नई दिल्ली।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विशाखापट्टनम में 1062 करोड़ रुपए लागत की जितने बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कितने बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन किया? 5। और ये क्वेश्चन है, ठीक है, किस भारतीय क्रिकेट ने 13 जुलाई 2018 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है? मोहम्मद कैफ। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ICWA का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है TCA राघवन। 37, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के अनुसार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 2018 में जो देश IT सेवाओं के निर्यात के मामले में लगातार दूसरे साल जो है वो दुनिया में IT सर्विसेज प्रोवाइड करने में अव्वल रहा भारत। नेक्स्ट है, वह राज्य जहां यहूदी समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया? गुजरात। उत्कृष्ट संस्थानों की सूची में इस सरकारी संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, IIT बेंगलोर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, सबसे ये उत्कृष्ट संस्थानों की सूची में। निजी संस्थान में रिलायंस जियो इंस्टीट्यूट। वह देश जिसने अपने लॉन्ग मार्च 2C प्रक्षेपण स्थल से पाकिस्तान के लिए एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 समेत 2 पाकिस्तानी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया? चीन। जिस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 विकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? सभी को पता है, रोहित शर्मा, ठीक है। किस बल्लेबाज ने एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय T20, ठीक है, क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए? रोहित शर्मा। वह राज्य जिसने प्रदेश में थर्मोकोल से बने बर्तनों का प्रयोग करने पे प्रतिबंध लगा दिया? हिमाचल प्रदेश। दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट ओजिस डेल स्लाडो पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं? ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट ओजिस डेल स्लाडो पर चढ़ने वाले दूसरी भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं सत्यरूप सिद्धांत, ठीक है। इससे पहले मल्ली मस्तान बाबू, ठीक है, इससे पहले आपके कौन थे? भारत के मल्ली मस्तान बाबू, जो यहाँ पे चढ़े थे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2019 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाराणसी। अपराध से निपटने के लिए किस शहर ने महिला पुलिस टीम दी विनर्स को शुरू किया है? कोलकाता, ठीक है। आई होप आपको ये करंट अफेयर अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कीजिए, कल मैं आपको और बेस्ट करवाऊँगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए और हेल्प कीजिए मेरे चैनल ग्रो करवाने में। धन्यवाद।